हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे हैं. सो आज हम लोग जा रहे हैं अपने घर, अपने होम टाउन. एंड अभी बजे हैं 5 एंड हमारी सुबह की मॉर्निंग की फ़्लाइट है 7:55 या कुछ ऐसे. तो हमें फटाफट रेडी होना है. मैं जस्ट अभी उठी हूँ, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी लेकिन मैं सोई भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा लेट थी. बट अभी फटाफट उठना है, गेट रेडी, फटाफट से निकलना है. सो लेट्स सी गाइस, हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं. हमारी कैब आ गई है, मिलते हैं एयरपोर्ट पे, बाय. तो ये लड़का पूरा रेडी वेडी हो चुका है और हमारी कैब आने वाली है. वी आर वेटिंग गाइस एंड हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं. हम वेट कर रहे हैं किसका? कैब का. और हमारी फ्लाइट छूटने वाली है. ओए शुभ शुभ बोल. आगे की हमारी कैब आ गई है और हम बस निकलने वाले हैं. ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं. 8 बजे की फ्लाइट है और अभी 6:30 हो रहे हैं. 6:32 में पहुँचेंगे. ठीक है ठीक है, कोई नहीं भैया, है ना, सही टाइम पहुँच जाएंगे. 8 बजे की फ्लाइट है. पहुंच गए हैं एयरपोर्ट. एंट्री करते ही कौन मिला है? वाओ, ब्यूटीफुल. कैसी हो मैडम? कैसी हो आप? गुड मॉर्निंग. मैडम का ना लगेज थोड़ा एक्स्ट्रा था तो मैडम इन लोगों को भी पता चलना चाहिए ना कि आपके साथ क्या. तो मोहतरमा का लगेज बहुत ज़्यादा था तो कितना 4 kg एक्सेस ना. लेकिन मैं तो 30 kg लेके आई हूँ जब बॉम्बे में फंस. देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है. 30 kg बड़े बुरे लगे. बट 15 kg अलाउड है स्वीट हार्ट. बट मैं लेके आई थी. वो अलग बात है. मतलब नहीं, मैं नहीं दूंगी. वो अलग बात है, हमें थोड़ा एक्सपीरियंस है एयरलाइंस का. बट मैं लेके आई थी. हम बोल दें ना तो ठीक है, ओके निकाल देते हैं. 4 kg तो निकाल देते. तो कितना हुआ अभी? कितना हुआ अभी? तो 15 पूरा एग्जैक्ट 15. अगर तू वो नहीं निकालती ना मेकअप, क्योंकि ज्यादा उसमें ही वेट था. मुझे लगा एक और मेकअप किट है ना उसमें. चलो तो इसने फर्स्ट इसका स्वागत बहुत अच्छे से किया है एयरपोर्ट पे. लोगों को रुचि मैडम बहुत ज़्यादा पसंद आई तो सोचा थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए लड़की के साथ. तो और कोई ऑप्शन था नहीं तो फिर उन्होंने खेल खेला, बैग वाला खेल. बोर्डिंग एंड ऑल एवरीथिंग डन. अब हम लोग जा रहे हैं गेट पे, धक्के मार के निकाला जाएगा इन दोनों को. मुझे नहीं रहे इनको. हमारी सीट अलग अलग थी. आप मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो. बहुत बुरे लग रहे हो. तौबा तौबा तौबा. धन्यवाद. हम लोग फ्लाइट में बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं और हम लोग ATM खेलने वाले हैं. हम लोग पूछेंगे कि एक वर्ड बनाना है जो आस पास नहीं लिखा है. तो मैंने रुचि को बोला है कि साहित्य साहित्य कहाँ लिखा है. बढ़िया था गुरु. पावर पावर एक शब्द. ओके आस पास में जब मिलता है तो मुझे पता.
चाहिए। तो मैंने ओप्पो पावर का हटा के उसे पावर पूछा, चलो गाइस अब मेरा टर्न, पूछो कुछ। नाउ इट्स माय टर्न। उस तो मेरा टर्न है। हां अब ये बताओ सेफ्टी चॉइसेस का के पास थी नहीं, तो हमने की है मसाला टी और हमारी मसाला टी आ चुकी है। देख लो कहना क्या चल रहा है। अरे रुचि सब आ जाएगी। पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। सो हमारी कॉफी आ चुकी है, सॉरी चाय। दिस इज माय टी। मेरे ऊपर मत गिरा देना। दिस इज उठा ले। तू तो मैं गरीब हूँ कि आके खड़े हो रहे हैं, हमारे पास बैग आ जा रहा है। वाह इतना सुकून। वाह वाह रुचि वाह वाह, है ना। मतलब बैग भी कह रहा जल्दी क्या करें, पार्टी करें अभी। नहीं नहीं बैग भी कह रहा जल्दी घर पहुंचो। मेरा बैग सबसे लेट है, मैंने सबसे पहले दिया था। ऐसा क्यों? मैंने सबसे लास्ट में दिया था। तेरी बद्दुआ रुचि, कैसे उठाएगी? मैं इतनी अच्छी दोस्त नहीं हूँ कि तेरी हेल्प कर पाऊँ। अब वो पता है मुझे, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर, इतनी कमीनी है तू। देख मेरा बैग आ रहा है रुचि। ओम प्रावा मेरा बैग उठा ले यार, मत कर। कुत्ते आगे तो तुड़ी दूंगी। फाइनली हम गाड़ी में बैठ गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं घर में, और रुचि मैडम वो हम लोग छोड़ेंगे अक्षरधाम मंदिर। ये मंदिर जाएगी और उसके बाद फिर जाएगी घर। हम बेचारा आगे बैठा हुआ है, अपना कुछ कुछ कनेक्शन कर रहा है। बैठ गए हैं, मुझे यहाँ से लगे कहाँ 4 घंटे 3-4 होली होली छू आप छू जुबाई।
छोड़ के मम्मी भाई देख के लव यू हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं और ओम गया है स्वीट्स लेने क्योंकि कल रक्षाबंधन है तो ऑब्वियसली मिठाइयाँ तो चाहिए ही। ओम लग करके आया शॉपिंग घर के लिए मिठाइयाँ क्या क्या लेके आया है ये क्या है इसमें इसमें समोसे हाँ सब आ गया आ जाओ साइड मेरे घर के पास तो फाइनली मैं अपने घर पहुंच गई हूँ और मेरे घर में हो रहा है काम पेंट का आप देख सकते हैं बहुत बुरी हालत हो रखी है एंड सीरियसली आई एम वेरी मच टायर्ड इससे ज़्यादा बात हम नहीं कर पाएंगे देखते हैं फैमिली के लोग आधे बाहर गए हैं कोई मुझे लेने नहीं आया है अभी मेरी बड़ी सिस्टर आई है उनसे आपको मिलवाती हूँ आंटी नमस्ते मिलिए मेरी क्यूटी पाई आंटी ये माई सिस्टर बड़े वाली सिस्टर ये नानी माता जी राजा बेटा क्या कर रहा है छोटा बच्चा नहीं नहीं करेगा मैंने लड़ाई मम्मी खुशबूदार उससे तो अभी हो चुकी है रात और मैं आई हूँ अपने घर बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ मम्मी खाना बना रहे हैं इतने टाइम बाद अपने घर पे आके ना सच में बताऊँ ना एक अलग ही सुकून है एक अलग ही शांति मिलती है अपनी फैमिली से मिलके कि मुंबई में तो लाइफ कैसे भागती है कैसे निकलती है कुछ पता नहीं चलता बट घर पे आके ऐसा लगता है पूरे दुख दर्द दूर हो गए हैं सीरियसली मैं मिली हूँ मम्मी से पापा से भाई बहनों से क्या बताऊँ मुझे इतना सुकून मिला ना बहुत ज़्यादा अभी बस मम्मी खाना बना रहे हैं और मैं खाना खाऊंगी और मैं बहुत ज़्यादा बेकार लग रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ सुबह 4 बजे की उठी हुई हूँ और यहाँ तक पहुँचने में इतना टाइम लग जाता है चलो गाइस बाय मम्मी ने बनाया है मेरे लिए अरबी की सब्जी और रोटी चेरी को देख के स्पेशली चेरी को देख के तो क्या ही बोलूँ मेरे पास वर्ड नहीं है वो तो इतनी ज़्यादा क्यूट है ना बहुत ज़्यादा तो बाय गाइस टेक केयर सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग इस व्लॉग में इतना ही